हजरत जुबैर बिन अवाम हवारी रसूल। बासत के इब्तदाई जमाने का जिक्र है कि एक दिन मक्के में एक वहशत असर खबर फैल गई। इस मनहूस खबर ने परस्तारान हक को सख्त इस्तराब में मुब्तला कर दिया। हर एक की जुबान पर यही अल्फाज थे कि ये कैसे मुमकिन है, अभी अबू तालिब जिंदा हैं और बनू हाशिम की तलवारें कुंद नहीं हो गईं। ये खबर सही थी या महज अफवाह थी, इसके बारे में कोई भी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। कुछ लोग कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया है, और कुछ का कहना था कि हुजूर शहीद कर दिए गए हैं। बनू हाशिम सख्त गैज़ो गज़ब के आलम में थे। वो इस सिलसिले में कोई कदम उठाने के बारे में अभी सोच ही रहे थे कि बनू असद के एक नौ उम्र लड़के के कानों में भी इस खबर की भनक पड़ गई। 16 साल की उम्र के इस कशीदा कामत और कवील जस्सा नौजवान को रहमत आलम से वालहाना मोहब्बत थी। वो थोड़ी ही देर पहले कैलूला करने अपने घर आया था। ये खबर सुनते ही तड़प कर उठा, खुंटी से तलवार उतार कर उसको नयाम में जमीन पर टेक दिया और शमशीर बकफ मक्के की गलियों में कूद गया। इसका रुख मक्के के बालाई हिस्से में वाक़े सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशान अकदस की जानिब था। इस वक्त जोश व गज़ब से इसका चेहरा तमतमा रहा था और वो नहायत तेजी से गलियां तय कर रहा था। जल्द ही वो हुजूर के काशान मुबारक पर पहुंच गया और ये देख कर उसकी मुसर्रत की इंतहा न रही कि महबत वही और रिसालत खैर व आफियत के साथ वहाँ रौनक अफरोज हैं। हुजूर शमशीर बकफ नौजवान को देख कर मुतबस्सम हो गए और फरमाया, क्यों भाई, खैर तो है? इस वक्त तुम शमशीर बरहना सौंत कर कैसे आ रहे हो? नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने सुना था कि आपको दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया है या शायद आप शहीद कर दिए गए हैं। इरशाद हुआ, अच्छा तो ये बात है कि अगर वाकई ऐसा हो जाता तो तुम क्या करते? नौजवान ने बेसाख्त अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैं अहले मक्का से लड़ मरता। इसका जवाब सुनकर रहमत आलम के रूए अनवर पर बशाशत फैल गई। आपने इस नौजवान के जज्बे फदूदियत की तहसीन फरमाई और इसके हक में दुआ खैर की, बल्कि उसकी तलवार को भी दुआ दी कि ये पहली तलवार थी जो राह हक और रसूल हक की हिमायत में बुलंद हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक यह नौजवान बनू असद के गुले सरसब्द सैयदना हजरत जुबैर बिन अवाम थे। सैयदना हजरत अबू अब्दुल्ला जुबैर बिन अवाम तारीख इस्लाम की एक मोहतम विशान शख्सियत हैं। उनको बारगाह नबुवत से हवारी रसूल का लकब अता हुआ और सरवर कायनात ने अपनी जुबान मुबारक से उन्हें जन्नत की बशारत दी। इस तरह वो असहाबे अशरे मुबशरा में शुमार हुए। उनकी जलालत कदर व मंजिलत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि सैयदना उमर फारूक उन्हें अरकान दीन में से एक रुकन करार दिया करते थे। हजरत जुबैर को ज़ात रिसालत माब से कई निस्बतें हासिल थीं। नंबर एक, वो हुजूर के फूफी हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद थे, इस तरह हुजूर उनके मामूजात भाई थे। नंबर दो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत जुबैर की फूफी थी, इस लिहाज से सरवर आलम हजरत जुबैर के फूफा थे। नंबर तीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हजरत असमा बिनत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत जुबैर से ब्याही गई थी, इस निस्बत से वह सरकार कायनात के हमजुल्फ थे। नंबर चार, हजरत जुबैर का सिलसिला नसब कसी बिन कलाब पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से मिल जाता है, इस तरह वह हुजूर के हमजद थे। हजरत जुबैर हिजरत नबवी से तकरीबन 28 साल कबल पैदा हुए। बचपन ही से साये पिदरी से महरूम हो गए। चचा नौफिल बिन खुवैलद ने अपनी सरपरस्ती में उनकी परवरिश की। हजरत जुबैर की वालदा हजरत सफिया बड़ी शुजा और शेर दिल खातून थी, चुनांचे वह हजरत जुबैर से सख्त मेहनत मशक्कत का काम लेती और वक्तन फवक्तन जजर तौबीख और जदो कोप से भी गुरेज न करती। नौफल बिन खुवैलद एक दिन भतीजे को माँ के हाथों पिटता देख कर बेताब हो गए और हजरत सफिया को सख्ती से रोका कि इस तरह तुम बच्चे को मार डालोगी। उन्होंने बनू हाशिम से भी कहा
कि वो सफिया को बच्चे से सख्ती करने से रोकें। जब इस बात का चर्चा आम हुआ तो हजरत सफिया ने लोगों के सामने ये रज्ज पढ़ा। जिसने ये कहा कि मैं जुबैर से बोझ रखती हूँ उसने गलत कहा, मैं उसको इसलिए पीटती हूँ कि अकलमंद हो और फौज को शिकस्त दे और माल गनीमत हासिल करे। हाफिज इबन हिजर रहमतुल्लाह अलैह ने असाबा में लिखा है कि हजरत जुबैर को लड़कपन में एक नौजवान आदमी से मुकाबला पेश आ गया। उन्होंने ऐसी जरब लगाई कि इस शख्स का हाथ तोड़ दिया। लोगों ने हजरत सफिया से शिकायत की तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया कि तुमने जुबैर को कैसा पाया, बहादुर या बुजदिल? गर्ज माँ की तरबियत का ये असर हुआ कि हजरत जुबैर बड़े होकर एक दिलावर सफ शुकन और जेग शुजा बने। हजरत जुबैर एक ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जिस पर आफताब इस्लाम की शुआएं दावत हक की इब्तदाई ही में पड़ने लगी थी। उनकी फूफी हजरत खतीजातुल कुबरा इस्लाम की खातून अव्वल थीं। वालदा हजरत सफिया भी आगाज अहद नबुवत से मुशर्रफ ब इस्लाम हो गई थीं। नामुमकिन था कि नूर इस्लाम उनके निहां खाना दिल को मुनव्वर न करता। चुनांचे उन्होंने बा इख्तलाफ रिवायत 8, 12 या 16 बरस की उम्र ही में दावत हक पर लब्बैक कहा। बाज़ मुअर्रिखीन ने इस्लाम लाने वालों में उनका नंबर 4th या 5th लिखा है, लेकिन ये सही नहीं। अलबत्ता साबिकून अल अव्वलून में वो एक मुमताज दर्जा रखते थे। जब तक वो इस्लाम नहीं लाए थे अपने चचा की शफ़क़तों का मरजा थे, लेकिन जू ही उन्होंने दावत हक कबूल किया चचा का रवैया बदल गया और उसने उन पर सख्त मजालिम ढाने शुरू कर दिए। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व नहाया में अबुल अस्वद से रिवायत किया है, हजरत जुबैर के चचा उनको चटाई में लपेट देते, आग सुलगा कर उसकी धुनी देते और कहते कि अपने आबाई दीन की तरफ लौट आ, लेकिन जुबैर हर बार यही कहते, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं कभी काफिर न हूंगा। जब चचा की ईजा रसानी हद से बढ़ गई तो हजरत जुबैर ने सरवर आलम की ईमा पर हबश की हिजरत इख्तियार की। कुछ अरसे वहां गुजार कर मक्का वापस आ गए और तिजारत का शोल इख्तियार किया। कुछ मुद्दत बाद खुद रहमत आलम ने मदीना को हिजरत फरमाई। उस वक्त हजरत जुबैर एक तिजारती काफले के साथ शाम गए हुए थे। जब वो शाम से मक्का की तरफ वापस आ रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के हमराह मदीने की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उसने इत्तफाक से रास्ते में हजरत जुबैर को उनसे शर्फ नियाज हासिल हो गया। इस मौके पर उन्होंने हुजूर और सिद्दीक अकबर की खिदमत में कुछ सफेद कपड़े हदिया पेश किए और फिर मक्का तशरीफ ले गए। थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने अपनी वालदा हजरत सफिया और बीवी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक की हमराह मदीने की हिजरत की और कुछ मुद्दत कबा में क्याम पजीर रहे। वहाँ 1 हिजरी में हजरत अस्मा के बतन से हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर पैदा हुए। उनकी विलादत से पहले कई माह तक किसी मुहाजिर के यहाँ विलादत न हुई थी, इसलिए यहूद मदीना ने मशहूर कर रखा था कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है और उनका सिलसिले नस्ल मुनक़ता कर दिया है। हजरत अब्दुल्लाह पैदा हुए तो मुसलमानों को बेहद मुसर्रत हुई और उन्होंने फर्त इनबिसात में इस जोर से नारा हाय तकबीर बुलंद किए कि दश्त जबल गूंज उठे। मुसलमानों को ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इस विलादत बासादत ने यहूदियों के दजल और तलबीस का पर्दा चाक कर दिया था। सरवर आलम ने मदीने में मुहाजरीन और अंसार के माबैन अक़्द मुआखा कायम फरमाया तो हजरत जुबैर के इस्लामी भाई हजरत सलमा बिन सलामा बिन वक़श करार पाए। वौस के खानदान बनु अब्दुल अशहल के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन थे और बैत उकबा कुबरा के शुरका में से थे। क़याम मदीना के इब्तदाई चंद सालों में हजरत जुबैर के माश का इन्हिसार ज़राअत पर रहा। रसूल अकरम ने उन्हें बनु नज़ीर में एक नखलिस्तान और दूसरी जगह कुछ जमीन अता फरमाई थी। उसकी आमदनी वाजिबी सी थी इसलिए बड़ी तंग दस्ती से गुजर होती थी। बाद में उन्होंने ज़राअत के साथ तिजारत भी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनमें बड़ी बरकत दी और नहायत आसूदा हाल हो गए। हिजरत के बाद ग़ज़वात मुशाहिद का सिलसिला शुरू हुआ तो हजरत जुबैर ने हर मार्के में कमाल दर्जे की इस्तकामत और बेजिगरी से दाद शुजात दी। कई मौकों पर खुद ज़ात रिसालत महाब ने उनकी शजात और जज्बे फुदूयत की बरमला तारीफ और तहसीन फरमाई। शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा
उन्हें अशजउल अरब कहा करते थे। हक व बातिल का मुआरका अव्वल बदर के मैदान में बरपा हुआ तो हजरत जुबैर की शमशीर खारा शगाफ दुश्मन की सफों पर बर्क बे अमान बनकर गिरी और उन्हें दरहम बरहम करके रख दिया। जिधर झुक पड़ते दुश्मन का दिल बादल काई की तरह फट जाता। उस दिन उनके सर पर जर्द अमामा था। हुजूर की नजर उस पर पड़ी तो फरमाया, आज मुसलमानों की मदद के लिए मलाइका भी जर्द अमामा बांध कर आसमान से उतरे हैं। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक से रिवायत है कि ऐन हंगामा कारजार में एक जंगजू मुशरिक ने एक बुलंद टीले पर चढ़कर ललकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? हुजूर ने एक सहाबी से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तू इसके मुकाबले के लिए जाता है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। इसी असना में सरवर आलम की नजर हजरत जुबैर पर पड़ी जो करीब ही बैठे थे और जोश गजब से कसमसा रहे थे। हुजूर ने फरमाया, ए इब्न सफिया, खड़े हो जाओ, इस मुशरिक के मुकाबले पर जाओ। हजरत जुबैर शेर की तरह इस पर झपटे और इससे गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों बड़े शेर जोर थे, एक दूसरे को टीले से नीचे गिराने की कोशिश करते थे। हुजूर ने फरमाया, इन दोनों में से जो पहले गिरेगा वो मारा जाएगा। फिर आपने हजरत जुबैर के हक में दुआ फरमाई। चंद लम्हे बाद दोनों लड़कते हुए नीचे इस तरह गिरे कि मुशरिक नीचे था और हजरत जुबैर उसके ऊपर, और फिर पलक झपकने की देर में हजरत जुबैर ने अपनी तलवार से मुशरिक की गर्दन उड़ा दी। उसके बाद हजरत जुबैर का मुकाबला कुरैश के नामी बहादुर उबैदा बिन सईद बिन आस से हुआ। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक खुद हजरत जुबैर ने उसके मुकाबले का हाल इन अल्फाज में बयान किया है, बदर के दिन मेरा सामना उबैदा बिन सईद बिन आस से हुआ, वो सरापा लोहा है, वो गर्क था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी, उसकी कुन्नियत अबू जात अल करश थी। उसने ललकार कर कहा, मैं हूँ अबू जात अल करश, मैंने अपनी बर्छी से इस पर हमला किया और ताक कर उसकी आंख में बर्छी मारी, वो मर गया। जब हजरत जुबैर अबू जात अल करश को हिला कर चुके तो अपनी बर्छी को उसकी लाश पर पांव अड़ाकर बड़ी मुश्किल से इस तरह निकाला कि बर्छी का फल मुड़ गया। सरवर कायनात ने ये बर्छी हजरत जुबैर से मांग ली और ता वफात अपने पास रखी। हुजूर की रहलत के बाद हजरत जुबैर ने इस बर्छी को वापस ले लिया, लेकिन उनसे हजरत सिद्दीक अकबर ने मांग ली। फिर ये बर्छी फारूक आजम के कब्जे में आई। फारूक आजम के बाद हजरत जुबैर ने ये बर्छी फिर वापस ले ली थी, लेकिन अमीर मुमिनीन उस्मान जुन्नूरैन ने उनसे तलब कर ली। हजरत उस्मान की शहादत के बाद ये बर्छी आले अली के पास पहुँची, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनसे ले ली और ता जिंदगी अपने पास रखी। हजरत जुबैर की जो तलवार बदर के मैदान में चमकी वो भी इस बर्छी की तरह यादगार बन गई। बदर के दिन हजरत जुबैर ने अस खुद रफ्तगी के आलम में ये तलवार इस तरह चलाई कि उसमें दंदाने पड़ गए। इस तलवार में चांदी का काम था। हजरत जुबैर की शहादत के बाद ये तलवार उनके जलील कद्र फरजंद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के कब्जे में आई। सही बुखारी में हजरत अरवा बिन जुबैर से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत के बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी ने मुझे बुलाकर पूछा, ए अरवा, क्या तुम जुबैर की तलवार को पहचानते हो? मैंने कहा, हाँ। अब्दुल मलिक ने पूछा, उसकी निशानी क्या है? मैंने कहा, बदर के दिन उसमें धंधाने पड़ गए थे। अब्दुल मलिक ने कहा, हाँ सच कहते हो, इसमें लश्करों के मुठभेड़ से धंधाने पड़े हुए हैं। फिर उसने ये तलवार मुझे दे दी। अरवा के फरजंद हश्याम का बयान है कि अरवा के बाद इस मुकद्दस तलवार के मुतालिक आले जुबैर में मुनाकशत पैदा हुई। हमने बाहम इसकी कीमत 3000 दरहम लगाई और हम में से एक ने उसको ले लिया। काश मैंने इस तलवार को ले लिया होता। गजवाए बदर में हजरत जुबैर को तलवार के एक या दो जख्म कांधे पर आए। एक जख्म इतना शदीद था कि उसके मुंदमिल होने पर वहाँ गढ़ा सा बन गया था। हजरत अरवा बिन जुबैर का बयान है कि मैं बचपन में इस गढ़े में अपनी उंगलियां डालकर खेला करता था। गजवाए उहद में हजरत जुबैर उन 14 साबित कदम सहाबा इकराम में से एक थे जो शुरू से आखिर तक सरवर आलम के सुपर बने रहे और एक लम्हे के लिए उनके पाए इस्तकलाल में लग्जिश न आई। हाफिज इब्न कसीर ने यूनुस बिन इसहाक से रिवायत की है कि उहद के दिन तलहा बिन अबी तलहा मुशरिकीन का आलम बरदार था। उसने मैदान जंग में आकर मुसलमानों को दावत मुबारजत दी। हजरत जुबैर दौड़ते हुए उसकी तरफ गए
और जस्त लगाकर उसके ऊंट पर सवार हो गए। फिर उसको जमीन की तरफ ढकेल कर ऊंट से गिरा दिया और अपनी तलवार से उसको ज़िबह कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर की तारीफ फरमाई और कहा, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। अगर जुबैर इसके मुकाबले के लिए ना निकलता तो मैं खुद इसके मुकाबले पर जाता। बाज रिवायत में है कि हजरत जुबैर ने तलहा को नहीं बल्कि उसके बेटे कलाब बिन तलहा को कत्ल किया था और तलहा बिन अभी तलहा के कातिल हजरत अली मुर्तजा थे। बहरहाल मैदान उहद में हजरत जुबैर के हाथ से मुशरिकीन का एक नामी जंगजू जरूर कत्ल हुआ। असनाए जंग में एक मौके पर सरवर आलम ने अपनी शमशीर मुकद्दस नियाम से खींची और फरमाया, कौन है जो आज इसका हक अदा करे। हजरत जुबैर और हजरत अबू दजाना अंसारी ने 3 मरतबा इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। भला आखिर हुजूर ने ये तलवार हजरत अबू दुजाना को अता फरमाई। ताहम हजरत जुबैर का जज्बे फुदूयत तारीख के सफहात में हमेशा के लिए महफूज रह गया। सही बुखारी में हजरत अरवाह बिन जुबैर से रिवायत है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद में जख्म लगे और मुशरिकीन वापस चले गए तो आपने इस ख्याल से कि कहीं वो पलट न पड़े फरमाया, कौन उसके ताकुब में जाता है। सहाबा में से 70 आदमी इस काम के लिए आमादा हुए, इसमें हजरत जुबैर भी थे। सही बुखारी में हजरत अरवा की जुबानी हजरत आयशा सिद्दीका का यह कौल मनकूल है कि यह आयत अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह इन सहाबा के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने हुजूर के इरशाद की तामील में ग़ज़वे उहद के बाद मुशरिकीन का ताक़ुब किया। उनमें हजरत जुबैर और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे। 5 हिजरी में फरजंदान तौहीद को खंदक पर सौबत जंग पेश आई। इस मौके पर मुशरिकीन का एक सैलाब अजीम मदीने मुनव्वरा पर हमला आवर हुआ। सरवर कायनात ने मदीने के गिर्द खंदक खोदकर इस लश्कर का मुकाबला किया। मुशरिकीन का मुहासरा तकरीबन 3 हफ्ते जारी रहा। इस दौरान में अगरचे कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई लेकिन फरीकैन में वक्तन फवक्तन झड़पें होती रहीं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अलबदाया में इब्ने इसहाक के हवाले से बयान किया है कि ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान में एक दिन नौफल बिन अब्दुल्ला बिन मुग़ैरा मखज़ूमी ने अपनी लश्करगाह से बाहर निकलकर मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। हजरत जुबैर झपट कर उसके मुकाबिल हुए और अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस मौके पर उनकी तलवार में एक दंदाना पड़ गया। नौफिल को जहन्नम में वासिल करने के बाद हजरत जुबैर ये रज़ पढ़ते हुए वापस आए, मैं वो शख्स हूँ जो अपनी भी हिफाजत करता हूँ और नबी मुस्तफ़ा उम्मी की भी हिफाजत करता हूँ। यहूद बनी कुरैज़ा और मुसलमानों में बाहम खैर सगाली का मुआहदा था लेकिन जंग खंदक के मौके पर यहूदियों की नीयत बदल गई और वो मुसलमानों की पुश्त पर खंजर घोंपने के मंसूबे बनाने लगे। अहले हक के लिए ये बड़ा नाजुक वक्त था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन गद्दारों के फासिद अजायम का इल्म हुआ तो आपने मुसलमानों को जमा करके फरमाया, कौन बनी कुरैज़ा की खबर लाता है। हजरत जुबैर ने बढ़कर अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं जाता हूँ। सरवरे आलम ने 3 मरतबा अपने अल्फाज दोहराए और 3 मरतबा हजरत जुबैर ने अपने आप को इस पुरखतर काम के लिए पेश किया। हुजूर उनके जज्बे फुदूयत से बहुत खुश हुए। सही बुखारी में हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी ये अल्फाज इरशाद फरमाए, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से ये रिवायत मनकूल है कि ग़ज़वा अहज़ाब में उमर बिन अबी सलमा और मैं औरतों के साथ दिए गए थे। मैंने देखा कि जुबैर घोड़े पर सवार 3 मरतबा बनी कुरैज़ा की तरफ गए और वापस आए। फिर जब शाम को मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, अब्बा जान मैंने आपको जाते देखा था। हजरत जुबैर ने फरमाया, बेटा तुमने मुझे देखा था। मैंने कहा, हाँ। हजरत जुबैर ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कौन बनी कुरैज़ा की खबर लाता है। मैं गया, जब वापस आया तो हुजूर ने मेरे लिए अपने माँ बाप जमा किए और फरमाया, फदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हूँ। अक्सर अहले सीर का बयान है कि फदाक अबी व उम्मी के अल्फाज लिसान रिसालत से हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत साद बिन अबी वक्कास के सिवा
किसी और के लिए नहीं निकले। जंग खंदक का यह अंजाम हुआ कि 22 दिन के मुहासरे के बाद कुफार आसमानी आफात और मुसलमानों की गैर मामूली इस्तकामत की ताब न लाकर भाग खड़े हुए। ग़ज़वा अहज़ाब के फौरन बाद हजरत जुबैर ग़ज़वा बनी कुरैज़ा में शरीक हुए और फिर ज़िलक़ायदा 2 हिजरी में बैत रिजवान में अजीम शर्फ हासिल किया और आखिर 6 हिजरी या शुरू के 7 हिजरी में खैबर की जंग पेश आई तो उनमें भी हजरत जुबैर ने कमाल दर्जे की जाबाजी और सरफरोशी का मुजाहरा किया। मौर्रिख इब्ने हशाम का बयान है कि जब रईस खैबर मरहब हजरत अली मुर्तजा के हाथ से मारा गया तो उसका कवि हैकल और जंगजू भाई यासिर गजबनाक होकर मैदान में आया। हजरत जुबैर उसके मुकाबले के लिए बढ़े, उनका कदो कामत यासिर के मुकाबले में कुछ भी न था और मालूम होता था कि वो आज यासिर के हाथ से नहीं बचेंगे। उनकी वालदा हजरत सफिया भी हुजूर के साथ मदीने से आई थीं। उन्होंने बेकरार होकर हुजूर से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आज मेरा जिगर गोशा शहीद होगा। सरवर आलम ने फरमाया, नहीं, इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर गालिब आएगा। चुनांचे थोड़ी देर की लड़ाई के बाद हजरत जुबैर ने यासिर को कत्ल कर दिया। 8 हिजरी में जब 10,000 कुदूसियों का लश्कर मक्के में फातहाना दाखिल हुआ तो इस मौके पर हजरत जुबैर को ये इम्तियाज हासिल हुआ कि वो मुहाजरीन के अलमबरदार मुकर्रर हुए और खास अलम नबवी उन्हें तफवीज किया गया। सही बुखारी में हजरत अरवा बिन जुबैर से फतह मक्का के बारे में रिवायत है कि एक फौज आई जिसकी तादाद दूसरे तमाम दस्तों से कम थी, उसमें रसूलुल्लाह और असहाब थे और अलम नबवी जुबैर बिन अवाम के पास था। सही मुस्लिम में है कि फतह मक्का के दिन हजरत जुबैर इस्लामी लश्कर के मैसरह के सरदार थे, लेकिन अक्सर अहले सैर ने बुखारी की रिवायत को तरजीह दी है और लिखा है कि हजरत जुबैर सबसे आखिरी और सबसे छोटे दस्ते में थे। रहमत आलम भी इस दस्ते में रौनक अफरोज थे। मौर्रिख इब्न साद का बयान है कि फतह मक्का के बाद जब हर तरफ अमन सुकून हो गया तो हजरत जुबैर और हजरत मक्ताद बिन असवद कुंदी अपने घोड़े पर सवार बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। इस मौके पर उन्हें ये अजीम सआदत नसीब हुई कि सरवर आलम ने खड़े होकर उनके चेहरों से गर्द साफ की। फतह मक्का के बाद हुनैन मौरका पेश आया। हजरत जुबैर ने इस मौके में भी अपनी शुजात व बसालत के खूब जौहर दिखाए। एक मौके पर बहुत से मुशरिकीन एक घाटी से निकलकर दफतन हजरत जुबैर पर टूट पड़े। हजरत जुबैर तन्हे तन्हा इस जुर्रत और इस्तकामत के साथ लड़े कि कुफार का मुंह फिर गया और वो भाग खड़े हुए। हुनैन के बाद हजरत जुबैर ने ताइफ और तबूक के गजबात में शिरकत की, फिर हज्जतुल विदा में भी उन्हें सरवर आलम की हमरकाबी का शर्फ हासिल हुआ। 11 हिजरी में सरवर कायनात ने रहलत फरमाई तो हजरत जुबैर पर कोहे आलम टूट पड़ा और उन्होंने शकिस्ता दिल होकर उजलत गुजीनी इख्तियार कर ली। शुरू शुरू में खिलाफत के मामले में उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजहों की हिमायत की, लेकिन फिर उनका ख्याल बदल गया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने जमहूर मुस्लिमीन की तरह हजरत सिद्दीक अकबर की बैत ले ली। 2-3 साल उन्होंने नहायत खामोशी से गुजारे, लेकिन फारूक आजम के अहद खिलाफत में उनके खून ने जोश मारा और वो अपने कमसिन फर्जंद अब्दुल्लाह को साथ लेकर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए शाम पहुंच गए। उस वक्त शाम की फैसला कुन जंग यरमूक के मैदान में लड़ी जा रही थी। हजरत जुबैर ने इस जंग में हैरत अंगेज जुर्रत व बसालत का मुजाहरा किया। सही बुखारी में उनके फर्जंद अरवा से रिवायत है कि असहाब रसूल ने जंग यरमूक में जुबैर से कहा, आप शिद्दत क्यों नहीं करते ताकि हम भी शिद्दत करें। उन्होंने कहा, अगर मैं शिद्दत करूंगा तो तुम झूठे साबित होंगे। लोगों ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हजरत जुबैर ने कुफार पर हमला किया और उनकी सफों में दरहम बरहम करते हुए आगे निकल गए, लेकिन उनका साथ कोई मुसलमान न दे सका। जब वापस आने लगे तो कुफार ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और उनके कंधे पर 2 जख्म लगाए। उनके दरमियान एक और जर्ब थी जो बदर में लगी थी। मैं बचपन में इन जरबों में अपनी उंगलियां दाखिल करके खेलता था। ये सिर्फ एक वाकया है। वाकदी, तिबरी और कई दूसरे मौरखीन ने जंग यरमूक में हजरत जुबैर की जानिबदारी और शुजात की कई वाकयात भी बयान किए हैं, जिनसे मालूम होता है कि वो इन खूनी जंग के
ابتدال خاص میں تھے۔ فتح شام کے بعد مجاہدین اسلام نے حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں مصر پر چڑھائی کی اور وہاں کے مشہور شہر فسطاط کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ فسطاط کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور مجاہدین کی تعداد بہت قلیل تھی، اس لیے حضرت عمرو بن العاص نے امیر المؤمنین کے پاس مدد کے لیے درخواست کی۔ عمر فاروق نے 4000 فوج، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن اسود کندی، حضرت مسلمہ بن مخلط کی سرکردگی میں روانہ کی اور حضرت عمرو بن العاص کو لکھا کہ ان میں سے ہر افسر 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ مصریوں کا دفاع اس قدر مضبوط تھا کہ اس فوج کے پہنچنے کے باوجود قلعہ 7 ماہ تک فتح ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن حضرت زبیر کو سخت جوش آیا اور وہ سیڑھی لگا کر شمشیر بدست قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور فصیل پر پہنچ کر ایک فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نیچے کی فوج نے بھی نعرہ لگانے شروع کر دیے، عیسائی سراسیما ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا، اس کے ساتھ ہی تمام اسلامی لشکر اندر گھس آیا۔ عیسائیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور امان طلب کی۔ حضرت عمرو نے ان کی درخواست قبول کر لی اور فسطاط پر اسلامی علم لہرایا۔ فسطاط کی فتح کے بعد حضرت زبیر نے سکندریہ کی تسخیر میں نمایاں حصہ لیا۔ سکندریہ کا قلعہ اپنے زبردست انتظامات کی وجہ سے ناقابل تسخیر متصور ہوتا تھا۔ اسلامی فوجیں مدت سے اس کا محاصرہ کیے پڑی تھیں۔ آخر ایک دن حضرت زبیر اور مسلمہ بن مخلد نے فوج کے چند مضبوط دستے اپنے ہمراہ لیے اور اس زور و شور سے حملہ کیا کہ دشمن کے لیے اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ 23 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم نے جام شہادت پیا۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 بزرگوں سے آخر وقت راضی رہے تھے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان 6 میں سے ایک کو میرے بعد منصب خلافت پر فائز کیا جائے۔ ان سب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا حکم بنایا۔ انہوں نے ہر شخص سے انفرادی رائے لینے کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت لی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس موقع پر حضرت زبیر نے ایثار سے کام لے کر حضرت علی کے حق میں رائے دی تھی، لیکن کثرت آرا حضرت عثمان کے حق میں تھی، چنانچہ انہوں نے مجلس شورا کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت زبیر نے پھر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ہر قسم کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہوئے، لیکن عامۃ المسلمین میں ان کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ ایک بار حضرت عثمان شدت نکسیر کی وجہ سے حج سے معذور ہو گئے، بلکہ زندگی سے مایوس ہو گئے، تو لوگوں کے مطالبے پر انہوں نے حضرت زبیر کو امیر حج اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے قسم کھا کر لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بے شک زبیر تم لوگوں میں بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ 35 ہجری میں صفدین نے مدینہ منورہ پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بارگاہ خلافت کا محاصرہ کر لیا۔ اس نازک موقع پر حضرت زبیر نے اپنے بڑے فرزند عبداللہ کو بارگاہ خلافت کی حفاظت پر مامور فرمایا، لیکن ایک دن باغی دوسری طرف سے دیوار پھلانگ کر کاشانۂ خلافت میں داخل ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین کو نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ حضرت زبیر کو امیر المؤمنین کی مظلومانہ شہادت سے سخت صدمہ پہنچا۔ ادھر صفدین کی شقاوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ امیر المؤمنین کی تجہیز و تکفین کے بھی روادار نہ تھے۔ آخر حضرت زبیر اور چند دوسرے مسلمانوں نے جان پر کھیل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کی۔ پھر رات کے وقت پوشیدہ طور پر حضرت زبیر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مضافات مدینہ میں حش کوکب کے مقام پر انہیں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سیدنا علی مرتضی سریر آرائے خلافت ہوئے۔ ان کے عہد خلافت کے اوائل ہی میں حالات و واقعات نے کچھ ایسی صورت اختیار کی کہ قصاص عثمان کے سلسلے میں
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقابلے میں اصلاح کا علم بلند کر دیا۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور کئی دوسرے صحابہ ام المؤمنین کے پرجوش حامیوں میں سے تھے۔ دوسری طرف امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی جلیل القدر صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی۔ جمادی الاخر 36 ہجری کو اپنے وقت کے بہترین انسانوں کے مابین جمل کی انتہائی افسوسناک لڑائی پیش آئی۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق لڑائی کے آغاز سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور حضرت زبیر کو پکار کر کہا، ابو عبداللہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ کے سامنے سے گزرے تھے؟ حضور نے تم سے سوال کیا تھا، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ جب تم نے اس بات میں جواب دیا تو حضور نے فرمایا تھا، ایک دن تم ناحق علی سے لڑو گے۔ حضرت زبیر نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی تو یہ بات یاد دلا کر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن حضرت زبیر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ اسی وقت میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص عمر بن جرموز نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زبیر نے بصرہ پہنچ کر اپنے غلام کو سامان و اسباب کے ساتھ روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود بصرہ کی آبادی سے دور نکل گئے۔ اس وقت ابن جرموز کھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا اور پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر نے کہا، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلے ہوئے تھے۔ ابن جرموز نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر نے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب میں اس ہنگامے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانا چاہتا ہوں۔ ابن جرموز نے کہا، تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کچھ دور جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت زبیر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابن جرموز نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حضرت زبیر نے فرمایا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے حق میں ایسا ہی کرو گے؟ ابن جرموز نے کہا، یقیناً۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں گھوڑے سے اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر جوں ہی سجدے میں گئے، عمر بن جرموز نے غداری کر کے ان کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور حواری رسول کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت زبیر کی زرہ، تلوار اور سر لے کر امیر المؤمنین علی اکرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے توقع تھی کہ امیر المؤمنین اس کام کو سراہیں گے، لیکن شیر خدا نے حضرت زبیر کی تلوار پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اس تلوار نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دشمنوں کے دل و بادل ہٹائے۔ اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابن جرموز نے مایوسی کے عالم میں یہ شعر کہے، میں علی کے پاس زبیر کا سر لے کر حاضر ہوا، مجھے اس کام سے ان کے تقرب کی امید تھی، لیکن جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے جہنم کی بشارت دی۔ سو کیسی بری بشارت اور کیسا برا تحفہ ہے۔ شہادت کے وقت حضرت زبیر کی عمر 64 برس کی تھی۔ اپنی جائے شہادت وادی سبا ہی میں دفن کیے گئے۔ اس المیے سے چند سال پہلے حضرت زبیر اور حضرت اسما کے درمیان بعض اسباب کی بنا پر علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن جب ان کی شہادت کی خبر حضرت اسما نے سنی تو فرت عالم سے نڈھال ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان پر یہ مرثیہ جاری ہو گیا، یعنی ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک عالی ہمت شہ سوار سے غداری کی، اور غداری بھی ایسی حالت میں کہ وہ نہایت بے سر و سامان تھا۔ اے عمرو، اگر تو اس کو پہلے سے باخبر کر دیتا تو اس کو ایسا شخص پاتا کہ نہ اس کے دل میں خوف ہوتا نہ ہاتھ میں لرزا۔ تیری ماں تجھ سے روئے، تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا، تجھ پر ضرور اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت زبیر نے اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں 7 شادیاں کی۔ ازواج کے نام یہ ہیں، نمبر 1 حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت ام خالد بنت خالد بن سعد بن عاص، نمبر 3 ارباب بنت انیف، نمبر 4 زینب بنت مرشد، نمبر 5 حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، نمبر 6 حلال بنت قیس، نمبر 7 عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نوفیل۔ صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت زبیر نے اپنے پیچھے چار بیویاں، نو لڑکے اور نو لڑکیاں چھوڑی۔ لڑکوں میں حضرت عبداللہ، عروہ، منظر اور مصعب اپنی اسلامی اور عالمی خدمات کی بنا پر ہماگیر شہرت کے مالک ہوئے۔ حضرت زبیر کا قد اتنا طویل تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین سے چھو جاتے۔ رنگ گندمی، بدن چھریرا، سر پر گھنے بال، داڑھی ہلکی۔ سرور عالم نے حضرت زبیر کو نواح مدینہ میں کوئی زمین عطا فرمائی تھی جسے وہ خود آباد کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد حضور نے انہیں بنو نذیر کا ایک نخلستان عطا فرمایا۔ صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے حضرت زبیر کو مقام جرف میں ایک جاگیر عطا کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے انہیں عقیق میں ایک سرسبز قطع زمین دیا۔ بدری صحابہ ہونے کی وجہ سے انہیں حکومت کی جانب سے معقول وظیفہ ملتا تھا، وقتاً فوقتاً مال غنیمت میں بھی کافی حصہ مل جاتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بے حد برکت عطا کی تھی۔ اس طرح وہ اغنیا کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ زمین کے علاوہ مختلف مقامات پر ان کے 15 مکانات بھی تھے۔ شہادت کے وقت ان کی غیر منقولہ جائیداد کی قیمت کا تخمینہ 5,02,00,000 درہم کیا گیا، لیکن اپنی بے مثال فیاضی اور سخافت کی بدولت وہ 22,00,000 درہم کے مقروض ہو گئے تھے۔ شہادت کے بعد یہ قرض ان کی جائیداد سے ادا کیا گیا۔ سیدنا حضرت زبیر فضائل و مناقب کے آسمان کے مہر درخشاں ہیں۔ ہر وہ شرف اور اعزاز جو دور رسالت کے کسی مسلمان کا طرح افتخار ہو سکتا تھا انہیں حاصل ہوا۔ ان کے مقدم فی الدین کی یہ شان تھی کہ 12 یا 16 عمر کی برس میں اس وقت لوائے حق کو تھاما جب ایسا کرنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ اس پرآشوب دور میں سب سے پہلے سید الانام کی حمایت میں تلوار بلند کی، راہ حق میں ہر قسم کے مصائب سے ہے، 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی، بدر سے تبوک تک ہر غزوے میں حیرت انگیز پامردگی اور سرفروشی کا ثبوت دیا، راہ حق میں اتنے زخم کھائے کہ جسم کا کوئی ظاہری اور پوشیدہ حصہ ایسا نہ تھا جو زخموں کے نشان سے خالی ہو، حواری رسول کا عظیم الشان لقب حاصل کیا، بیت رضوان سے سعادت اندوز ہوئے، لسان رسالت سے جنت کی نوید پائی، جہاد شام اور مصر میں عظیم المثال شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کیا، جام شہادت پیا تو وہ بھی اس شان سے کہ سر سجدے میں تھا اور زبان پر تکبیر تھی۔ حضرت زبیر کا چمن اخلاق بھی رنگا رنگ پھولوں سے آراستہ تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ، زہد و تقوی، خشیت الہی، عبرت پذیری، ایثار اور امانت داری اس چمن کے سب سے خوش رنگ پھول تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر نے اپنے تمام مکانات راہ حق میں صدقہ کر دیے تھے۔ اس طرح بحیقی نے مغیث بن سمی سے اور ابو نعیم نے سعید بن عزیر سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر کے 1,000 غلام تھے جو ان کو یومیہ خراج ادا کرتے تھے۔ حضرت زبیر ان تمام رقم کو فوراً خیرات کر دیتے اور اپنے گھر میں اس طرح داخل ہوتے کہ ان کے پاس 1 درہم بھی نہ ہوتا۔ حضرت زبیر کی دیانت اور امانت کا اس قدر شہرہ تھا کہ لوگ نہ صرف اپنا مال و متاع ان کے پاس امانت رکھتے بلکہ وفات کے وقت انہیں اولاد اور مال کا محافظ بنانے کی آرزو کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ نے انہیں اپنا وصی بنایا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت زبیر پر قرض اس لیے ہو گیا تھا کہ لوگ ان کے پاس مال لے کر آتے تھے اور امانت رکھا دیتے تھے۔ زبیر کہتے تھے، یہ امانت نہیں بلکہ سلف ہے، کیونکہ مجھے اس کو ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ زہد و تقوی اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ ہر بات میں سنت نبوی کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے اور معمولی سے معمولی واقعے پر خوف خدا سے کانپ اٹھتے تھے۔ قرآن حکیم کی کوئی ایسی آیت سنتے جس میں قیامت کا ذکر ہوتا تو لرزہ براندام ہو جاتے۔ حضرت زبیر اگرچہ حواری رسول تھے اور سالہا سال تک فیضان رسالت سے خوشہ چینی کی تھی، لیکن کمال اتقا کے باعث وہ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی قلت روایت کا سبب اس طرح بیان کیا ہے، میں نے زبیر سے کہا،
मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हुए नहीं सुनता, जिस तरह फला और फला हदीस बयान करते हैं। फरमाया, मैंने हुजूर का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन आपको फरमाते हुए सुना है, जो मुझ पर झूठ बोले उसका ठिकाना जहन्नम है। हजरत जुबैर से कुल 38 हदीसें मरवी हैं, उनमें से भी अक्सर का ताल्लुक अखलाक से है। फारूक आजम ने अपनी शहादत से पहले जिन 6 बुजुर्गों को खिलाफत के लिए नामजद फरमाया, उनमें हजरत जुबैर भी थे, लेकिन उन्होंने सरापा ईसार होने का सबूत यूं दिया कि हजरत अली करमुल्लाह वजह के हक में दस्त बरदार हो गए, और जब मजलिस शूरा ने हजरत उस्मान जुन्नूरैन के हक में फैसला दिया तो उन्होंने बिला चूर चरा हजरत उस्मान की बैत कर ली। हजरत जुबैर सही मानों में मर्द मोमिन थे, और किसी शख्स को अचानक या धोखे से कत्ल करना किसी हालत में जायज नहीं समझते थे। मसनद अहमद इबन हम्बल में है कि जब उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दावत इस्लाह का आलम बुलंद किया तो किसी शख्स ने उनसे कहा कि आपका ईमा हो तो अली को कत्ल कर डालूं। बोले, तुम ये काम कैसे करोगे, अली के पास तो जबरदस्त फौज है। उसने कहा, मैं अली की फौज में सिपाही की हैसियत से शरीक हो जाऊंगा और किसी वक्त मौका पाकर उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। फरमाया, हरगिज नहीं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ईमान कत्ल नागहानी की जंजीर है, इसलिए कोई मोमिन किसी को कत्ल न करे।